नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्यू टैब के विंडोज़ ऑप्शन के बारे में। विंडोज़ के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस का हम एक एक करके यूज़ समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू विंडो की। आप देखेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन है और इसकी मैं डुप्लीकेट विंडो अगर ओपन करना चाहता हूँ, यानी मैं इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट विंडो पर काम करना चाहता हूँ, तो मैं न्यू विंडो पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे उसी की डुप्लीकेट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने अरेंज का एक ऑप्शन है। इस अरेंज वाले ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है टाइल्स का है, हॉरिजॉन्टल का है, वर्टिकल का है, कैस्केड का है। तो इसमें से हम जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको टाइल्ड में एडजस्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करके जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारी जो विंडो है हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होकर के रिप्रेजेंट हो गई है। यानी कि आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं और इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब इनमें से जो भी आपकी ओरिजिनल विंडो होगी, आप उस विंडो पर अगर काम करेंगे तो डुप्लीकेट विंडो में वो ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाएगी। तो जैसे देखेंगे कि हम लोग हमारे पास जो ओरिजिनल विंडो है और डुप्लीकेट विंडो है दोनों में पहचान क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फाइल का नाम है वो रिश्ते अच्छे फाइल वन है और यहाँ पर आप देखेंगे रिश्ते अच्छे फाइल टू। तो यहाँ पर हमारा जो रिश्ते अच्छे फाइल वन है ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। इस ओरिजिनल फाइल के अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 40% है तो यहाँ पर हमने 0.30% लिया और एंटर प्रेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.30% हमने चेंज किया। इस शीट पर भी 0.30% बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यानी आप एक शीट की डुप्लीकेट काफ़ी सारी विंडोज़ ले सकते हैं और ओरिजिनल विंडो पर जो भी काम करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट्स विंडोज़ पर वो वर्क अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक साथ काफ़ी सारे वर्कशीट पर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारा किसी डेटा को फ्रीज करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जाते हैं और हमने फिलहाल अभी कर्जर को यहाँ पर मूव कर दिया, यानी यहाँ पर हमने रख लिया कर्जर को और यहाँ से मैं चाहता हूँ डेटा को फ्रीज करना। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा फ्रीज पेन्स का, इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ से फ्रीज हो गया। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इस डेटा को यहाँ पर एनालाइज कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर फिक्स हो गया है। इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यानी आप अपने डेटा को, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसको फ्रीज करके इस तरीके से उसको स्क्रॉल डाउन करके डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फ्रीज को हटाना है तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करके अनफ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो भी होगा वो अनफ्रीज हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी शीट पर और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से रो फ्रीज का और कॉलम फ्रीज का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं वापस से दूसरी शीट के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे हमने एक शीट बना रखी है सैलरी शीट के नाम से। इस सैलरी शीट के अंदर हम क्या करेंगे, रो को फ्रीज करेंगे और कॉलम्स को फ्रीज करके दिखाएंगे। तो फिलहाल हम रो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और रो को सिलेक्ट करने के बाद हम व्यू में वापस से जाते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ्रीज टू रो। फ्रीज कर दिया हमने रो को। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम जो भी वर्क करेंगे हमारा जो रो होगा वो फ्रीज हो गया, यानी वो फिक्स हो गया है। इसके बाद आप कोई भी डेटा यहाँ पर टाइप करिए, रो अपनी जगह से मूव नहीं होगा, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप यहाँ पर कितना भी बड़ा डेटा हो उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसको अनफ्रीज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अनफ्रीज रो पर जैसे आप क्लिक करेंगे वापस से ये अनफ्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलम को सिलेक्ट करिए, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉलम को फ्रीज कर दीजिए। कॉलम को फ्रीज करने के बाद आप यहाँ से कोई भी डाटा टाइप करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा इंसर्ट होता चला जा रहा है, बट यहाँ पर जो हमारा कॉलम है वो मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको भी अनफ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज पेन पर क्लिक करेंगे वापस ये अनफ्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी इसी विंडो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इस पर स्प्लिट विंडो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको मूव करना है और स्क्रॉल डाउन करके अपने डेटा को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है और इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसे हाइड करना चाहें तो शीट को हाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने जो भी स्प्लिट किया है इसको हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद अब मैं इस शीट को चाहता हूँ ये शीट हमारी हाइड हो जाए, तो हाइड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो शीट थी वो हाइड हो चुकी है। उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे आप अनहाइड का। अनहाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे शीट का नाम आ जाएगा सैलरी शीट जो हमने हाइड की है। इसको जैसे हम ओके प्रेस करेंगे वापस से हमारी शीट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक और ऑप्शन है हमारे पास व्यू साइड बाय साइड। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम किस फाइल को साइड बाय साइड करना चाहते हैं, तो हमने शीट वन ले लिया यानी रिश्ते अच्छे फाइल वन ले लिया और सैलरी शीट को हम
दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक डेटा हमारा यहाँ पर आ गया और एक डेटा हमारा यहाँ पर आ गया। हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो दोनों के दोनों डेटा हमारा एक साथ स्क्रॉल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉलिंग का हमने ऑप्शन ओपन कर रखा है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से, तो हम पर्टिकुलर किसी एक डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से और दूसरे डेटा को यहाँ से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको स्क्रॉलिंग को ऑन रखना है, तो ऑन रखने के बाद ये दोनों स्क्रॉलिंग जो होंगी वो दोनों स्क्रॉलिंग एक साथ मूव करेंगी। इसके बाद अगर आपने इसका किसी का साइज़ छोटा या बड़ा कर दिया शीट का, तो जैसे ही आप रिसेट पर वापस से क्लिक करेंगे ये वापस से अपने साइज़ में एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे स्विचिंग विंडोज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर आपके सामने तीनों फाइल्स दिखा रहा है, जो भी फाइल पे आप काम करना चाहते हैं उस फाइल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फाइल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया और यहाँ पर हमने रिश्ते अच्छे फाइल वन को सिलेक्ट किया, तो वापस से वो फाइल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको विंडोज़ के सभी फीचर्स के बारे में एक एक करके समझाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।